नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ग्राम विकास अधिकारी यूपी ट्रिपलएससी का जो आपका अगला टारगेट है, इसकी परीक्षा पे मैं आपको जो है एक डिटेल्ड वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपको किस तरह से इस परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी है, साथ में ही इस परीक्षा में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, टॉपिक्स में क्या पढ़ना है और इसका जो है पैटर्न कैसा है, इसमें आप जो मेरी एनालिसिस है उसके अनुसार जो है क्या होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड जो है इन सब विषयों पे बात करेंगे। और मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा है कि मैं यूपी ट्रिपलएससी के इस एग्जाम की जो है आपकी विधिवत तैयारी कराऊंगा, लेकिन उसके लिए जो है पहली शर्त यह है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को रेगुलर फॉलो करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आपको मुझसे लाभ लेना है, मेरे वीडियोस से लाभ लेना है, तो आपको रेगुलर फॉलो करना होगा। एक दो वीडियो देखकर छोड़ दिया, फिर आपने दो तीन वीडियो देखा, तो इस तरह से जो है आप जो है पूरी सीरीज को नहीं समझ पाएंगे। युवा विकास कल्याण अधिकारी की तैयारी जिसने मेरे चैनल पर की थी वो इस चीज को अच्छे से समझते हैं और जो पेपर उन्होंने दिया है वो अच्छे तरह जानते हैं कि 75 से 80% तक जो है मैंने जो पढ़ाया था, जो बताया था, उसके अकॉर्डिंग ही आया है। तो चलिए पहले हम इस परीक्षा के बारे में सामान्य तौर पे जानते हैं और ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए आप धैर्य पूर्वक आपको देखना है, जो आपको बातें इंपॉर्टेंट लगे वो नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि ये तैयारी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सबसे पहले ये परीक्षा है ग्राम विकास अधिकारी, इसमें तीन पद हैं, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक। 2018 की परीक्षा है, फॉर्म भरा चुका जा चुका है, आप लोग फॉर्म डाल चुके हैं। अब इसमें अगर हम पदों की बात करें तो पंचायत अधिकारी यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के सबसे ज्यादा पद है, 1527 पद है। फिर ग्राम विकास अधिकारी जो समाज कल्याण विभाग का एक पद है उसमें 362 पद हैं और समाज कल्याण पर्यवेक्षक इसके 64 पद हैं। इस प्रकार ये परीक्षा जो है 1953 पदों के लिए कंबाइंड परीक्षा होगी और ये केवल एक लिखित परीक्षा होगी, इसमें आगे चलकर कोई इंटरव्यू नहीं या किसी भी तरह का कोई आगे चलकर कोई भी अर्हता परीक्षा दूसरी नहीं होगी, लिखित परीक्षा होगी और उसमें जो पास आउट हो जाएगा वो जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये रही पदों की जानकारी। आप इसमें बात करते हैं कि इसका जो है जो स्ट्रक्चर है, जो सिलेबस है वो किस तरह से, तो इसमें जो है मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। तो हिंदी परिज्ञान का मतलब है कि हिंदी का सामान्य ज्ञान आना चाहिए और लेखन में हिंदी की भाषा वर्तनी इत्यादि से संबंधित जो चीजें हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके कुल 50 प्रश्न होंगे और 100 नंबर, यानी इसमें हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो इस तरह से 50 प्रश्न 100 नंबर के हो जाएंगे। फिर बात करते हैं दूसरे की, रीजनिंग एबिलिटी या जो है सामान्य मानसिक योग्यता जिसे कहते हैं, तो इसका भी स्तर जो है बहुत ऊंचा नहीं रहने वाला है, लेकिन आपने अगर जो पिछला पेपर इसका देखा है जो 5/6/2016 को संपन्न हुआ है तो इतना भी आसान नहीं है, एक जो है नॉर्मल लेवल का ठीक ठाक जो है रीजनिंग पूछी जाती है, 50 प्रश्न आएंगे और जीके यानी सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न आएंगे, तो इस तरह से कुल 150 प्रश्न 300 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। आपको समय मिलेगा 1.5 घंटा या 120 मिनट। तो 120 मिनट जो है 150 क्वेश्चंस करने के लिए पर्याप्त है, बहुत जो है कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, एक विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आपने युवा कल्याण अधिकारी वाले पेपर में देखा होगा कि यही जो है 200 प्रश्न थे लेकिन 120 मिनट था, तो उसमें थोड़ा जो है समय जो है वास्तव में कम था। आप लोगों ने कमेंट में बताया भी और मैंने पहले भी कहा था जब मैंने स्ट्रेटजी उसकी फाइनल बताई थी आपको कि समय इसमें कम है, आपको समय पर ध्यान रख। फिर बात करते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग की। तो यूपी ट्रिपलएससी ने अपना जो नया सिस्टम शुरू किया है उसमें हर पेपर में अब 50% निगेटिव मार्किंग है और यही एक जो है सबसे बड़ी समस्या है आपके लिए,
क्योंकि आप जो है तुक्केबाजी नहीं कर सकते हैं, आपको सटीकता से उत्तर देना होगा और जिन प्रश्नों में आपको जरा सा भी संदेह है उनको आप नहीं टच करेंगे। और अगर अभी हम इसकी जो है मेरिट और कितने प्रश्न सेफ रहेंगे इन सब विषयों पर चर्चा करें तो वो थोड़ा जल्दबाजी होगी। अभी इसका डेट आ जाने दीजिए और डेट आने के साथ इसका मुझे लगता है कि एक बार सिलेबस भी इसका आएगा, डिटेल्ड सिलेबस, क्योंकि जिस तरह से नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है वो मेरे हिसाब से पूर्ण सिलेबस नहीं है, केवल उसके आधार पर सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। और मैंने भी पुराने जो पेपर है इसके उसकी एनालिसिस की है, कुछ और जगहों पे इसको रेफर किया है, उसके आधार पर मैंने भी अपना एक जो है खाका तैयार किया है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें शामिल हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पर्टिकुलर आपको पढ़ने चाहिए। तो 50% निगेटिव मार्किंग की जो बात मैं कह रहा था वो आज यानी युवा कल्याण अधिकारी वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा, अगर आपने वो पेपर दिया है, कि उसकी वजह से आपको कितना अपना संयमित होकर यानी और तुक्केबाजी से बचते हुए सटीकता के साथ उत्तर देने की कोशिश की है आपने, और बहुत ज्यादा प्रश्न टाइप करने की जरूरत नहीं। अगर इसमें मैं एक प्राइमरी अनुमान लगाऊं तो 150 में 90 से लेके 95 प्रश्न पे आपका जो है ये क्लियर हो सकता है, लेकिन 90 प्रश्न सही प्रश्न होने चाहिए, यानी माइनस मार्किंग को हटाते हुए 90 से लेके अधिकतम 100 माना जा सकता है। और इसमें कितने फॉर्म पड़े हैं, पेपर कैसा होगा, ये सब जो है एक्चुअल में जो मेरिट या कट ऑफ का अनुमान होता है वो किसी एक चीज पे आधारित नहीं होता। पेपर कैसा आया था, कितने लोगों ने प्रतिभाग किया उसमें, लोगों ने लमसम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनका जो है कितने क्वेश्चन फाइनली सही हुआ, तो जब इन सब डाटा को एक साथ एनालाइज किया जाता है तभी आप कट ऑफ के बारे में कोई बात कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है जो बताया जाता है वो एक प्योर अनुमान ही होता है। फिर भी अगर आप इसमें 100 प्रश्न 110 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, 110 तक आप करते हैं तो बिल्कुल सही रहेगा 140 में। चलिए अब इसकी बात तो हो गई, अब आपको बात करते हैं कि शुरुआत कहां से करनी चाहिए। निसंदेह आप लोग पढ़ रहे होंगे और क्योंकि फॉर्म काफी पहले आ गया था, बहुत सी कोचिंग्स में पढ़ाई शुरू हो गई, इतने सारे प्रैक्टिस सेट आ गए मार्केट में, पुस्तकों से पूरा बाजार पट गया है, तो पढ़ाई तो हो रही है और इसकी तैयारी के लिए जो है आपका जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसको आप जारी रखिए। बस थोड़ा सा जो है सबसे पहली जो बात है, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एक बुक जो है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व दिए हो एक बार उसको लीजिए, और जो सेक्शन आपसे संबंधित हैं यानी जैसे कि मैथ आप में नहीं आनी है इत्यादि, उन सबको हटाते हुए जो सेक्शंस आप में है, हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है, उनके जो है प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। दूसरी चीज, ये सुविधा मेरे चैनल पर भी उपलब्ध है, आप यूपी ट्रिपल एससी ओल्ड पेपर्स नाम से एक जो है प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और जितने भी आज तक यूपी ट्रिपल एससी के पेपर हुए हैं सबको मैंने वन लाइनर फॉर्म में सॉल्व करा रखा है, आप उसको देख सकते हैं पूरी सीरीज को। तो अब ये बात हो गई शुरुआत करने की, अब हम बात करते हैं हिंदी। तो सबसे पहला जो है सिलेबस में जो बात की गई है सेक्शन की वो हिंदी की गई है। तो हिंदी का ये आपके सामने सिलेबस है, आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अब मैं एक एक पे जो है बात करता हूं कि क्या आपको जो है करना चाहिए। तो वर्णमाला, वर्णमाला में आपको क्या पढ़ना है, कुल कितने वर्ण हैं, कुल कितने स्वर हैं, कुल कितने व्यंजन हैं, अनुस्वार कौन से हैं, कंठव्य कौन से हैं, तालव्य कौन से हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। स्वर और व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं, घोष व्यंजन कौन से हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, सभी तरह के वर्गीकरण वो कितने प्रकार के हैं और कौन से हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। युवा कल्याण अधिकारी के पेपर में भी कम से कम जो आप लोगों ने मुझे बताया है 5-6 प्रश्न इस पे आए थे। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम में संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद, निजवाचक संज्ञा क्या है, सर्वनाम निजवाचक कौन सा है,
इस तरह से जितने भी उसके भेद हैं उनके क्या उदाहरण हैं, उनके वाक्य में प्रयोग के आधार पर जो है उनको आप कैसे पहचानेंगे, ये पूरा आपको जानना जरूरी है। क्रिया कितने हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया के भेद, वचन, बहुवचन, एक वचन, और उसके साथ में लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कौन से शब्द जो है पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग है, कौन से पुल्लिंग है, तो ये सभी जो है आपको वचन में अच्छे से देखने हैं और एग्जाम्पल्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके लिए आपके पास जो भी बुक है, मान लीजिए आप ल्यूसेंट हिंदी से पढ़ते हैं या हरदेव बारी है आपके पास, या एक अच्छी बुक पूजा पब्लिकेशन की भी है हिंदी की, वो भी आप ले सकते हैं। तो उसमें हर चैप्टर के पीछे जो प्रश्न दिए होते हैं विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए, उसके अलावा और भी प्रश्न दिए होते हैं अभ्यास के लिए, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसके प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और कोशिश करिए कि बिना उत्तर देखे सॉल्व कीजिए, तो आप एक उसको प्रैक्टिस सेट मानकर सॉल्व करेंगे। फिर हिंदी भाषा एवं लिपि, पिछला जो मैंने पेपर देखा ग्राम पंचायत अधिकारी का, तो उसमें हिंदी भाषा और लिपि से भी क्वेश्चन आए हैं। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का वर्गीकरण क्या है, सौ सैनी क्या है, अपभ्रंश क्या है, फिर ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, खड़ी बोली कब प्रारंभ हुई थी, खड़ी बोली किन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में या देश में बोली जाती है, अवधि क्या है, अवधि का विकास कैसे हुआ है, विभिन्न लिपियां जो हमारी है देवनागरी लिपि, इन सब के बारे में जो है इनका विकास और इससे संबंध। फिर बोलियां, बोलियां भी बात की, जैसे कि अवधि, सौसेनी, पंज और मगधी, ये सब भाषाएं किस क्षेत्रों में बोली जाती, विशेषकर क्षेत्र पूछे जाते हैं इनके। फिर अलंकार, अलंकार से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं। अलंकार ये जितने भी टॉपिक हैं इसमें से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिनका वीडियो मैंने ना बनाया हो। अगर आप चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे, और हिंदी की जो प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण की, उनमें आपको ये सब चैप्टर और हर चैप्टर पे कम से कम दो तीन वीडियो, क्योंकि जितना मैंने डिटेल जो है बना सका हूं आज तक बनाया हूं, और समीक्षा अधिकारी का पेपर जब हुआ था लास्ट ईयर तब से जो है मैं उसको हिंदी को जो है लगातार अपडेट कर रहा हूं। तो रस, छंद, अलंकार, इनसे भी क्वेश्चन आने आपके। समास, समास अभी मैंने रिसेंटली भी पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। पर्यायवाची, अनेकार्थी, समानार्थी, इसमें अनेकार्थी और समानार्थी से आपके ज्यादा क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर्स में, जहां पर जो है आपके जो पिछला पेपर हुआ था उसमें भी वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कई सारे वाक्य, कई सारे शब्द हैं और उनको एक शब्द में आपको बताने के लिए, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। आसान टॉपिक है, कोई बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा जो है आपको याद करना होगा। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको जो है बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं जानते हैं कि वाक्य में क्या गलती है या जो लिखा हुआ शब्द है वो गलत है कि सही है, उसमें हलंत लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ऊपर चांद बिंदी अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर कैलाश लिखा है तो उसमें कौन सा साफ सही होना चाहिए, तो ये थोड़ी छोटी छोटी महीन बातें इसमें जो है ध्यान रखने योग्य होती हैं। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आ जाएगा। कारक और विभक्ति, अच्छे से आप जानते हैं, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। कर्ता, कर्म, संप्रदान, सभी कारकों को आपको जो है पढ़ना है। इसमें वाक्य के भेद, यानी सरल भाग वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तो वाक्य के जो भेद होते हैं इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। एक वाक्य दे दिया जाएगा, ये किस प्रकार का वाक्य है उसके बारे में आपको बताना रहेगा कि सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, तो इस तरह के इसके उदाहरण वाले क्वेश्चन जो है जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे। उसके कुछ नियम हैं जो मैंने अभी रिसेंटली यूपी पेपर 80 के जो हिंदी के मॉडल पेपर 8 कराए थे उनमें शायद पांचवे छठे पार्ट में मैंने इसको स्पेशली इसका नियम बताया है कि इसमें कौन सा नियम फॉलो होता है। प्रत्यय और उपसर्ग, आपको शब्द दे दिया जाएगा उसमें आपको प्रत्यय पहचानना है कि कौन सा प्रत्यय है, इत अक प्रत्यय, इत प्रत्यय, अन प्रत्यय है,
या उपसर्ग जो है इसमें से आपको कौन सा है ये आपको ढूंढना होगा। योजक चिन्ह, तो जिसको आप लोग जैसे डैश का चिन्ह होता है, ये विराम चिन्ह होता है, पूर्ण विराम होता है, तो ये सभी चिन्ह सीधे सीधे आज तो पेपर में आया था कि चिन्ह कौन सा है, सीधे सीधे वही पूछ लिया था, या कोई चिन्ह का गलत प्रयोग करके दिखाया जाएगा वहां पर कौन सा चिन्ह सही होना चाहिए वो पूछा जा सकता है। और जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें एक काव्यांश दिया हुआ है, यानी एक कविता दी हुई है, उस पर जो है आधारित जो है 5-6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि काव्यांश या गद्यांश आ जाए उसी तरह से और आपको उस पर आधारित क्वेश्चन करने को पूछ लिए जाए। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। हिंदी की विभिन्न रचनाएं, खासकर जितनी काव्य रचनाएं हैं और उनके रचनाकार कौन हैं, इस पे आधारित प्रश्न बहुत ज्यादा संभावित हैं, आए भी हैं। तो ये कुछ हिंदी का जो है खाका जो है था आपके सामने। और हिंदी अगर आप किसी किताब को नहीं फॉलो कर पा रहे सही से या आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो चैनल पे जो प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण की, आप उसके अगर जो है सारे वीडियोस को एक क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो आपको हिंदी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये सब टॉपिक उसमें अच्छे से मैंने बताए हैं। और जो अभी लास्ट में अपडेट किया है मॉडल पेपर सीरीज, उसमें भी ये इन जो है टॉपिक्स को मैंने हर सीरीज में शामिल किया है। तो चलिए अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, जो इसका दूसरा सेक्शन है सामान्य ज्ञान या जीके। तो इसका जीके जो है कन्वेंशनल टाइप का, यानी बेसिक जीके से हम लोग कहते हैं, या और परिष्कृत भाषा में कहें तो स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस होगा। तो इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस तो बहुत संक्षिप्त में दिया हुआ है, इतिहास भूगोल, इतिहास के क्वेश्चंस बिल्कुल सामान्य तरीके के, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, या इस युद्ध में कौन हारा कौन जीता, इनका कौन पुत्र था, आगरा के किले का निर्माण किसने कराया, इत्यादि, मतलब इस तरह के सीधे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं, सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने इतिहास में। ठीक इसी प्रकार भूगोल में, भारत का भूगोल इसमें ज्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा, खासकर नदियां, बांध, सागर, महासागर, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, पठार कौन सा कहां पर है, सबसे ऊंचा सबसे नीचा पर्वत, सबसे पुरानी श्रृंखला, सबसे लंबी नदी, या कौन किसकी सहायक नदी है, और सबसे पूर्व की कौन सी है, पश्चिम की कौन सी है, या दर्रे पूछ लिए तो जो है जम्मू कश्मीर में कौन सा है या उसका नाम दे दिया। तो इस तरह का जो है जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन जो है भूगोल में पूछे जा सकते हैं। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछला जो पेपर है जो 2016 में हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश विशेष से करीब 6 प्रश्न है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देखिएगा उसको, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश विशेष पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, इससे आपको इस बार भी 5 या 6 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगर यूपी का करंट अफेयर्स उसमें जोड़ लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, विभिन्न नदियां हैं, कौन से स्मारक कौन से हैं, तीर्थ कहां पर कौन सा है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का जलवायु, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था, वर्तमान में कौन मंत्री है, और ये सब जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस जो है उत्तर प्रदेश में बहुत आएगा। और उत्तर प्रदेश जो है जितना मैंने अपने चैनल में पढ़ाया है उतना शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। और उत्तर प्रदेश में मैं स्पेशली आपको कम से कम 400-300 क्वेश्चंस में एक पूरी सीरीज बनाकर जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, तो इसके लिए आप बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं उन चीजों को अब दोबारा नहीं जो है पढ़ाऊंगा। फिर सामान्य विज्ञान में, जैसे कि आपको मैंने युवा कल्याण अधिकारी में बताया था, लगभग वैसा ही आपको पढ़ना है, बस उसमें जो है स्तर थोड़ा जो है उसका नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन इत्यादि, कैलोरी से क्वेश्चन, जल शुद्धता, लगभग लगभग उसी तरह के जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और
विभिन्न पौधे, उनसे क्या प्राप्त होता है, उनकी क्या कमर्शियल यूज है, प्राणी जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण, किस हार्मोन से क्या होता है, कौन से रोग होते हैं, रोग विशेषकर रोग पे और पोषण, ये दो चैप्टर पे ज्यादा फोकस करिएगा। हमेशा आज का भी जो पेपर हुआ था यूपी ट्रिपलएससी का जो हुआ था उसमें भी उनसे जो है अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। फिर करंट अफेयर्स, तो जो युवा कल्याण अधिकारी का पेपर हुआ है अगर उसको देखा जाए तो उसके जिस तरह का उसमें करंट अफेयर्स पूछा है, यानी करंट अफेयर्स का स्तर जो है अब यूपी ट्रिपलएससी ने अच्छा उठा लिया है। क्वेश्चंस बहुत ठीक ठाक इस पे पूछे जा रहे हैं और खेल पे ज्यादा फोकस रहेगा, खेल से ज्यादा संबंधित क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उसमें नियुक्तियां, विभिन्न प्रकार के पदक, जितने भी पुरस्कार दिए जाएंगे रिसेंट, तो ये आपको जब आपका पेपर होगा, अभी तो डेट ही नहीं सर्टेन है, उसके आपको 15 से 20 दिन पहले तक का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है। चैनल पे आपको ये अपडेट मिलता रहेगा, उसकी आप जो है फिक्र मत करिए वो सब। फिर भारतीय राज व्यवस्था में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे खासे लास्ट पेपर में। राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन हाँ, इसमें आपको ये देखना है कि इसमें बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपसे कोई अनुच्छेद, अनुसूचियां या भाग नहीं पूछेंगे, जो एक सामान्य प्रश्न होते हैं, खासकर जहां पे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, संसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी संसद और जो है जो राज्य स्तरीय सरकार है उनके संगठन से संबंधित क्वेश्चन राजव्यवस्था में ज्यादा पूछे गए। खेल का जो है देखा गया है यूपी ट्रिपलएससी के पेपर्स में अच्छा फोकस होता है, तो खेल में खेल से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। फिर भारत के विभिन्न पर्यटन स्थल, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल, कहाँ उनकी स्थिति है, क्या विशेषता है, किस धर्म से संबंधित है, इसके बारे में क्वेश्चन। भारतीय कला एवं संस्कृति, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको ठीक ठाक यानी 3-4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें विभिन्न भारतीय नृत्य शैलियां, विभिन्न त्योहार, विभिन्न उत्सव और गायन शैलियां, बोलियां, जनजातियां, ये सब इसके अंतर्गत आएगा और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस पर मैं एक सिंगल या डबल दो वीडियो बनाऊंगा जो पूरे टॉपिक को कवर करेगा। फिर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है जीके के लिए जो है टॉपिक है और आसान भी है, इतना कठिन नहीं है, सामान्यतः जो है हम लोग को ये चीजें याद हो जाती हैं, तो ये आपको देखने हैं। आविष्कार और उनके आविष्कारक, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। विभिन्न स्मारक, जो कला संस्कृति के अंतर ही गति हो गया, लेकिन मैंने अलग से इसलिए लिख दिया क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है ठीक ठाक पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीक, तो राष्ट्रीय ध्वज कहां से लिया गया, तिरंगे में लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, इत्यादि क्वेश्चन, और जो विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे। पुस्तकें और लेखक, जितनी भी रिसेंट एक साल में पुस्तकें पब्लिश हुई हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको जरूर देख लीजिएगा, खासकर वो पुस्तकें जिनका विमोचन राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मतलब किसी भी गणमान्य व्यक्ति द्वारा अगर उसका विमोचन किया गया है तो वो पुस्तकें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जो बेस्ट सेलर बुक्स होती हैं, जैसे इंडियन राइटर्स भी हैं लेकिन वो वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान रखते हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं, सलमान रुश्दी हैं इत्यादि जो है, तो इन सबकी जो पुस्तकें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नृत्य, मेला, त्योहार, उत्सव, ये सब भारतीय कला संस्कृति के ही अंग है, इसको बता चुका हूं मैं। जनसंख्या से क्वेश्चन, खासकर यूपी की जनसंख्या से क्वेश्चन लास्ट पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए जनसंख्या नगरीकरण में बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी जो मोटे मोटे पैरामीटर्स हैं, जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या के आधार पर बड़े छोटे राज्य, जनघनत्व, तो साक्षरता दर, लिंगानुपात, ये सब जो टॉपिक है इनमें सीधे सीधे इनमें पहले तीन राज्य, अंतिम तीन राज्य, ये याद देख लीजिए केंद्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है, तो सबसे बड़े और सबसे न्यूनतम, ये दो डाटा आपको सबका याद होना चाहिए। भारत का और उत्तर प्रदेश का औसतन जो है क्या लिंगानुपात है, क्या जनसंख्या घनत्व है, क्या साक्षरता दर है, स्त्री साक्षरता दर क्या है, पुरुष साक्षरता दर क्या है, इन सबको जो है आपको अलग अलग इसको पढ़ना है, तैयार करना है।
फिर कृषि से संबंधित जीके विभिन्न प्रकार के जो है कृषि कृषि के रबी खरीफ जो फसलों का वर्गीकरण है उनके उदाहरण है, सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं, किस तराई रीजन में क्या होता है, मिट्टियां कौन सी हैं, और इसके अलावा जो फसलों के रोग हैं विशेषकर फसलों के रोग को जरूर अच्छे से देखना है आपको। योजनाएं भी पिछले भी पेपर में पूछी गई हैं, इस बार भी पूछी जाएंगी क्योंकि योजनाओं को आप करंट से रिलेट भी कर सकते हैं, तो योजनाओं का भी अच्छा खासा वेटेज होगा, दो तीन योजनाओं के बारे में पूछा जा सका है। तो जो भी अभी लेटेस्ट योजनाएं साल डेढ़ साल में शुरू की गई हैं उनकी आपको जानकारी सामान्य तौर पर होना जरूरी है। कंप्यूटर जी के 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आए हैं, तो इसको आप जो है एक अच्छा टॉपिक मान सकते हैं क्योंकि आपकी योग्यता ही जब CCC मांगी है तो कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो कंप्यूटर से बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज इस तरह के क्वेश्चन, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन, इनको आपको विशेष कर तैयार करना है। और प्लेलिस्ट में कंप्यूटर वाली ये सब ऑलरेडी अपलोड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं इस पे सॉल्व करा चुका हूं, उस सीरीज को देख लीजिए, उतना ही आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। फिर चूंकि आपका पद ही है पंचायती राज अधिकारी का, ग्राम विकास अधिकारी का, समाज कल्याण पर्यवेक्षक का, तीनों ही पद जो है पंचायती राज व्यवस्था और समाज कल्याण से संबंधित हैं, इसलिए पंचायती राज पर आपको जो है तैयारी करनी होगी। ग्राम विकास अधिकारी पंचायत राज अधिकारी इनके क्या कार्य होते हैं, क्या कार्य एवं दायित्व होते हैं, ये किस लेवल पे काम करते हैं, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम प्रधान का चुनाव कैसा होता है, उपग्राम क्षेत्र पंचायत क्या होती है, समिति क्या होती है, जिला पंचायत क्या होती है इत्यादि क्वेश्चन, उनके मेंबरों का चुनाव कैसे होता है। तो रिसेंटली अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने इसको अपडेट किया है, आप इसका वो वीडियो भी देख लीजिए, अलग से अपना जो है बुक में देख लीजिए, और इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस जो है आपको कराऊंगा। ग्राम विकास के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, खासकर ग्राम विकास की जो प्रमुख योजनाएं हैं, और जो कि BDO और BPO दोनों ही जो है सीधे तौर पर ग्राम विकास से संबंधित होता है, इसलिए ग्राम विकास की जो है में इनकी क्या भूमिका है, और खासकर जो ऐसे प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं जो गांव के विलेज डेवलपमेंट पर आधारित है सीधे तौर पर, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन ये है इत्यादि जो है, तो इनकी इन योजनाओं को पढ़ना है और में कितना पैसा मिलता है जैसे मनरेगा वगैरह हो गया, और कौन लाभार्थी होते हैं, उनकी आयु वर्ग क्या होते हैं, तो इत्यादि प्रश्नों को आपको जो है इसमें करना होगा। तो ये जो है सामान्य ज्ञान का एक मोटा मोटा खाका था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी यानी तर्क योग्यता मानसिक योग्यता कुछ भी कह लीजिए, तो रीजनिंग जो है इसका एक बहुत बड़ा रोल है आपके UP SSSC के वीडियो एग्जाम में, क्योंकि रीजनिंग में जो अच्छा कर ले जाएंगे, रीजनिंग क्या होता है टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसमें आप जब किसी प्रश्न को हल करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी होती है, अगर आपने प्रश्न को सॉल्व कर लिया तो यानी आपका वो नंबर पक्का हो गया, और रीजनिंग जो लोग सॉल्व करते हैं मुश्किल से ही उसमें गलत निकलता है, क्योंकि रीजनिंग का जो करने का मेथड जानते हैं उनसे जो है क्वेश्चन का आंसर जब निकलता है तो वो गलत नहीं होता, अगर वो विकल्प से मैच कर रहा है तो बिल्कुल सही होता है। तो ये मैंने सब इंग्लिश में लिखा हुआ है आपके सामने, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग हिंदी में रीजनिंग के वर्ड्स को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, फिर भी मैं इसको जो है अपने तरह से आपको हिंदी में जो है इसको चेंज करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर सीरीज, यानी नंबर सीरीज होती है 2, 4, 6 दिया हुआ है और आगे जो है उसके कौन सा होगा, आगे ये दिया हुआ है तो इसमें से ये निकालना है, इसी तरह से ABCD का जो है कोई क्रम दे दिया गया उसमें जो मिसिंग है वो निकालना है। फिर बात करते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण यानी कोडिंग डिकोडिंग इत्यादि, राम को किसी कोड में ये लिखा जाता है, श्याम को उसी कोड में ये लिखा जाता है, तो सीता को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, अल्फाबेट में आप जो है सीक्वेंसिंग लगाकर उसको निकाल लेते हैं। रक्त परीक्षण यानी ब्लड रिलेशन, पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए हैं फिर आएंगे कि ए की ताऊ वो है, बी की जो है नानी ये है, उनका लड़का ये है, तो सी और डी में क्या आपस में
संबंध हुआ, इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी आते हैं। दिशा परीक्षण आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको जागरूक रह के करना होता है। ये 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है, फिर उत्तर में चढ़ता है, बाएं मुड़कर जो है वो फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर सीधे चलता है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे है या किस दिशा में, इस तरह के क्वेश्चन। घड़ी और कैलेंडर पर आधारित क्वेश्चन, सोमवार को 15 सितंबर 2018 को अगर सोमवार था तो अक्टूबर में 3 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी पूछे गए हैं पहले भी। कथन और तर्क वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि एक कथन लिया था, उसका तर्क लिख दिया था, उसके चार ऑप्शन होते हैं कि क्या इसको ये डिफाइन करता है, तो वो उस तरह के जो है वेन डायग्राम में आपसे पूछ लिया जाता है कि इतने लोग शहरी हैं, इतने लोग शिक्षित हैं और इतने लोग ग्रामीण हैं, ग्रामीणों में इतने शिक्षित हैं, तो ये बताइए शहरी शिक्षित का प्रतिशत क्या है या शहरी शिक्षित कितने लोग हैं, तो इस तरह के जो है वेन डायग्राम में क्वेश्चन। फिर क्रम व्यवस्था वाला मैंने आपसे बात कर ली ही ली। उसके अलावा कला परीक्षण, संबंध परीक्षण, विजातीय छांटे, ये सब मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको। दर्पण की अनुकृति, जल अनुकृति और घन और पासा, मुझे तो लग रहा था कि घन और पासा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में पासे से क्वेश्चन आया है। औसत का भी क्वेश्चन आया है, औसत उस तरह से नहीं, मतलब मैथमेटिकल वाला नहीं, रीजनिंग में जो है क्वेश्चन आया, पिछला वाला पेपर देखिएगा आपको समझ में आएगा। रीजनिंग की कोई भी बुक उठा लीजिए और रीजनिंग में शुरुआत में जो चैप्टर वाइज उसका जो है पूरी सूची दी होगी, उस सूची को आप देखिए और उसमें एक एक टॉपिक को एक सिरे से जो है हल करना शुरू करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग पूरी तरह से प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है, और मैं भी जो है चैनल पे रीजनिंग के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से सो कंबाइन करके आपको कराता रहूंगा। तो रीजनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में, क्योंकि रीजनिंग जो है यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित करने वाला एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका सेगमेंट। तो ये तो रीजनिंग के बारे में रहा, सभी जो है सब्जेक्ट को मैंने आपको सभी टॉपिक्स को डिस्क्राइब कर दिया जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब बात यह है कि आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी है, सबसे पहले पुराने पेपर्स देख लीजिए जो मेरे चैनल पर हैं, उन चैनल के उन वीडियोस को सीधे सीधे प्लेलिस्ट में चले जाइए। हिंदी की अलग है, रीजनिंग की अलग है, और जीके की जो सीरीज है यूपी ट्रिपल एससी के, उसमें अलग जो है पूरा एक फोल्डर है, उसको आप देखेंगे तो उसमें जो है प्लेलिस्ट में आपको वीडियो एक सीक्वेंस में लगे हुए मिलेंगे और उनको वीडियोस को आप एक एक करके देख लीजिए। और इधर मैं आपको जो है मॉडल पेपर, जैसे युवा कल्याण अधिकारी में मैंने मॉडल पेपर्स कराए थे, उसी तरह से मॉडल पेपर के माध्यम से, क्योंकि जब मिक्स क्वेश्चन होते हैं पूरे सिलेबस को कवर करते हुए, तो आपको पढ़ने में भी मजा आता है और आपके सभी जो है टॉपिक्स कवर होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता है कुछ छूटे। और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था उसमें अभी जीके, और उसमें तो उसमें सामुदायिक विकास है, पंचायती राज है, ग्राम विकास है इत्यादि जो है, इन सबको मैं जो है स्पेशली जो है कि दो दो वीडियोज के सेगमेंट में जो है कवर कर दूंगा। जो भी स्पेशल टॉपिक हैं जो आपको चैनल पे पहले नहीं उपलब्ध होंगे, वो सब मैं कराऊंगा। और मॉडल पेपर सबसे अच्छा रहेगा, मॉडल पेपर में स्टार्ट करता हूं जल्दी ही, एक आज या कल से ही जो है आपको शुरुआत उसकी हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ जो है आप लोगों में से कमेंट किया था आप लोगों ने कि प्रावधिक जो कृषि वाला जो है फॉर्म आया था, कृषि में प्रावधिक सहायक का, तो उनका भी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है अगर आप मिला लें युवा कल्याण अधिकारी के पेपर से। तो मैं लगभग जो है सब कुछ कंप्लीट करा ही चुका हूं, उनके में अगर मुझे कोई स्पेशल चीज दिखेगी, कोई स्पेशल टॉपिक दिखेगा, तो उसको मैं अलग से कवर करा दूंगा। खासकर उनका जो है कृषि पे ज्यादा फोकस रहेगा, कृषि भी उनके में टॉपिक है एक जो है स्पेशल, तो कृषि को मैं अलग से कराऊंगा, वो आपके वीडियो में भी काम आएगा और उनके लिए तो काम आएगा ही। अब टीटी की बात करते हैं, जो लोग टीटी के एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्होंने भी काफी कमेंट किया है, तो टीटी वाले भी बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन मैं टीटी का 100% कोर्स नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि जो शिक्षण गतिविधियों से संबंधित उसमें है, शिक्षा मनोविज्ञान और इत्यादि, वो आप स्वयं पढ़िए या जिस माध्यम से भी आप पढ़ रहे थे, उसमें जो जीके का पोर्शन है और इन्वायरमेंट, और भी जो मुझे लगेगा कि जो है मैं आसानी से आपको पढ़ा लूंगा, क्योंकि
मैं ट्रैक से हटके जो है कोई नई चीज जो है नहीं ला पाऊंगा, जो मैं कर रहा हूँ जो सभी एग्जाम्स में कॉमन होंगे उन टॉपिक्स को मैं पहले कवर करूंगा। तो ये रहा आपका जो है पूरा तैयारी का एक जो है विस्तृत कार्य योजना की किस तरह से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। और अभी एक और बात है कि अभी अनिश्चित है कि कब एग्जाम होना है, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास दो महीने का समय है आपके पास, तो इन दो महीनों में अगर आप 6 से 7 घंटा डेली जो है कॉन्स्टेंटली और कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम में आप जो है सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं, जरूर सफलता हासिल कर सकते हैं। बस आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी में आपको अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी होती है। क्यों? क्योंकि आज आपने पढ़ा, फिर 2 दिन आपने नहीं पढ़ा किसी वजह से, तो आप जब 3रे या 4थे दिन बैठेंगे पढ़ने के लिए तो आप जो है उस रिदम को नहीं पा पाएंगे जिस रिदम से आप पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए इसमें रिदम कंसिस्टेंसी दोनों को बरकरार रखना जरूरी है। जो करिए उसको डेली करिए और साथ में रिवीजन बहुत जरूरी है। जो चीजें आपने पढ़ ली है उनको कम से कम हफ्ते में 1 दिन का समय ऐसा निकालिए जिस दिन केवल आप रिवीजन करेंगे, कोई नए टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे और माइनस मार्किंग का ये सिस्टम है, ऊपर से इतनी तगड़ी माइनस मार्किंग, तो जो चीजें हम रिवाइज नहीं करते केवल एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, वो जैसे ही एग्जाम में वो प्रश्न आता है तुरंत हमारे मन में कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है। क्योंकि हमको लगता है कि हमने इसका ये विकल्प पढ़ा है, ये सही हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं होते, 100% उस पर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज को कम पढ़िए, लेकिन उसको जब पढ़िए तो उसको रिवाइज जरूर करिए। बिना रिवीजन के आप जो है माइनस मार्किंग की इस तरह की व्यवस्था में आप सफल नहीं हो पाएंगे। रिवीजन पे बहुत ध्यान देना जरूरी है, हफ्ते में 1 दिन रिवीजन करिए। फिर अब जो है वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी बातें फिर जो है जब इसकी डेट वेट आ जाएगी तो हम लोग जो है फिर इसकी बार एक बार स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी के लिए इतना ही। आपके अगर कोई और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।